मिशन शक्ति के अंतर्गत शहर के जामिया तुस्सालेहात मदरसे में बालिकाओं को उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जनपद रामपुर मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज ने कहा कि बालिकाएं शिक्षा को अपने स्वावलंबन से जोड़ें और किसी भी बाधा को पार करके कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य और ज़रूरतों पर खुलकर बात करें, क्योंकि ये मामले भी नारी सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए हैं। इसके लिए महिलाओं को सबसे पहले स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने बेटियों को सपने सहजने और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के विभिन्न तरीकों के बारे में मार्शल आर्ट से जुड़ी महजबी और मुस्कान ने बताया तथा एंटी रोमियो स्क्वाड टीम द्वारा बालिकाओं को कानूनी जानकारी भी प्रदान की गई। वहीं जिला प्रमोशन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को वृहद स्तर पर जागरूक करने के लिए जनपद के अन्य मदरसों में भी ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाएगा, ताकि मिशन शक्ति के उद्देश्य को साकार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बालिकाओं को उनकी सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन के बारे में जागरूक किया जा सके। वहीं आइए अब सुनते हैं मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज क्या कह रही हैं। मिशन शक्ति के अंतर्गत इस माह बच्चों को डेडिकेटेड है और बच्चों की सुरक्षा से रिलेटेड है, बच्चों की मानसिक हेल्थ से भी रिलेटेड है। इसी संबंध में यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज कराया कि जो बच्चियों को शिक्षा मिल रही है उसको हमारे जो महिला शक्ति के तीन पिलर्स हैं, नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान और नारी सुरक्षा, इन तीन पिलर्स से लिंक करके उसको समझें कि बात यहाँ पर मानसिकता परिवर्तन की है, बात अपने घरों से शुरू करने की है इन तीनों मैसेजेस को लेकर। और ये भी एक मैसेज दिया गया कि जो तालीम ये हासिल कर रहे हैं उसको अपने अंदर समेट कर उसको आगे अपने स्वावलंबन से जोड़ें और कुछ ना कुछ अपनी कड़ी मेहनत से करें और कोई भी बाधा आए तो स्वयं से मन का डर निकाल कर उसे आगे बढ़े। मैम, आप मदरसे में आए, डू यू थिंक दे नीड मोर अटेंशन? जो मदरसे के बच्चे हैं, यहाँ की लड़कियाँ हैं, उनके लिए आप कुछ विशेष इसमें चाहती हैं कि? हाँ जी, देखिए, सभी स्कूल्स में हम ये बात कहेंगे कि जब हम तालीम दे रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल और उसकी किताबी दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस हो। अभी एक मुहिम भी हमने शुरू की है जिसमें जो हमारे रामपुर के उत्पाद हैं वोकल फॉर लोकल के अंदर, हम अपने स्कूल के बच्चों को कह रहे हैं कि आप फील्ड विजिट कराइए उनको और फील्ड विजिट करा कर देखिए कि कारीगर उस चीज़ को कैसे बना रहे हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको अपनी आँखों से होते हुए देखें भी। तो एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हमारे सभी स्कूल्स को एक आवश्यकता है, जो मुझे लगता है कि अपने तालीम में हमें शामिल कराना चाहिए। और वोकल के फॉर लोकल के अंदर जो हमने अभी दिवाली मेला पे आयोजन किया है उसमें भी मैं सभी स्कूल्स को इनवाइट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को और बच्चियों को जो हमारे यहाँ काइट्स बनती हैं, चाकू बनता है, हमारे यहाँ वायलिन बन रहा है, वो दिखाएं कि कैसे बन रहा है, उन कारीगरों की क्या समस्याएं हैं। तो क्या पता हमारे बच्चों से ही हमें बहुत अच्छे मार्केटिंग के आइडियाज़ मिल जाएं और बच्चे भी बहुत कुछ उससे सीखें।